वाराणसी में देवों की दीपावली, जो देवता दिवाली मनाते हैं उसे देवों की दीपावली यानी देव दीपावली के रूप में आज मनाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से पूरा हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है इस वाराणसी के घाट में और लोग श्रद्धा से किस तरीके से दिए जला रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वो दिखाएँ कि किस तरीके से पूरे घाट पर दिए जला रहे हैं और परिवार यहाँ पर आकर के भगवान के साथ दीप उत्सव मना रहा है। आपको ये भी बताते चले कि शंकर भगवान ने एक राक्षस का वध किया था, उसके बाद ये दीप उत्सव का आयोजन वाराणसी के विभिन्न घाटों पे की जाती है। इस बार प्रदेश सरकार भी पूरे श्रद्धा और पूरे उमंग के साथ लोगों से जुड़ा है और कहीं ना कहीं से एक बजट भी पास किया गया है पूरे देव दीपावली को लेकर के। जहां आप देख रहे हैं कि लेजर शो का आयोजन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ मंच बनाया गया है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जहां सूफी गायिका आ रही हैं गाने गाने के लिए और लोगों का मनोरंजन करने के लिए। वहीं श्रद्धा की बात यह है कि लोग घाट पर दीप जलाना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मनोदशा लेकर के आए हैं वाराणसी की घाटों पर दीप उत्सव यानी देव दीपावली मनाने के लिए। आपसे बात करेंगे राजपूत, क्या किस तरीके से आज आप देखने आए हैं वाराणसी में और क्या देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे जो वाराणसी की घटा है अपने आप में पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम है। और जब देव दीपावली की बात होती है तो दीपावली के कुछ दिनों बाद यह त्यौहार मनाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जिस दिन बनारस के घाटों पर देव दिवाली होती है स्वयं भगवान ऊपर से इसको निहारते हैं देखने के लिए कि बनारस वाकई घाट पर हो क्या रहा है। आज लेजर शो है और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसका नज़ारा आपको कैसा लग रहा है? यह बहुत अच्छा है, पहली बार ऐसा कोई घाट पे कार्यक्रम हो रहा है जो लेजर शो के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। और राजघाट पे यह कार्यक्रम अब यूनिक होने लगा है, पहले तो जहां लोग दशाश्वमेध घाट 80 घाट पे लोग जाते थे, अब ये राजघाट पे होने लगा, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से पुरुष इस पूरे त्यौहार पे हिस्सा बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं महिलाएं भी एक स्वास्तिक का निशान बना रही हैं या भगवान को सीधे सीधे देव दीपावली के माध्यम से याद कर रही हैं। हमारे पास कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या इच्छाएं लेकर के आई हैं, कैसा लग रहा है मैम आज आपको यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं हर साल आती हूँ और इस साल भी आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है देव दीपावली में आना, और क्योंकि दीपावली तो हम लोग अपने घर में मनाते हैं लेकिन ये पूरे सबके साथ मनाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। देव के साथ दीपावली मनाना यानी वाराणसी में दीपावली वो भी भगवान के साथ मनाई जा रही है। अमित दत्ता, ईटीवी, वाराणसी।